तस्वीर ये गुंडा लोग, उनके ही गाँव वाले पूरे लोग, उड़गी गाँव वाले पूरा तलवार लेकर फोटो, ये इतना ही नहीं उनका स्टेटस रखते हैं लोग तो तलवारों से एकदम ऐसा जैसा फिल्मों में बताता है रउडिज्म। ये अब्र से नहीं है, उधर सेडम तलक में सर्वे करके देखो, उनके काम यही है डरा के ऐसे रखने, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज जो माइनॉरिटी लोग आपको इतना सपोर्ट करे, उनको आप लोग तलवार से उनको आप हमला कराते बोले तो ऊपर वाला देख रहा है, और एफ आई आर रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई अरेस्ट करने के तैयार नहीं थे। आप कृपा करके कौन सा भी पार्टी को मत देखो, हमारा पार्टी वाले गुंडागर्दी वाले जूता मार के उनके अंदर डालो, कौन सा पार्टी वाले बेरे गुंडागर्दी खत्म होना साहब। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। अभी आप सभी लोग जानते हैं, देख रहे हैं कि पिछले दो दिन से ये जो चल रहा है, शरण प्रकाश पाटिल डॉक्टर साहब मंत्री जो है उनका खुद का गांव में ओपन तलवार लेकर जो हल्ले कर रहे, आज पाप 8 लोग और माइनॉरिटी का लोग पूरा, खास करके माइनॉरिटी लोग इनको 90% के ऊपर वोट वाले के जीता इससे भूल गए ना, आज उनके ऊपर ओपन वार चल रहा है। ऐसे वार हो रहा है कि उन लोग बीवी बच्चे रोड पे आए इससे हड़ताल कर रहे हैं। पाप उनको गरीब लोग है, ऑटो चला के घर बसाने वाले लोग और कूली कार्मिक लोग है, ऐसे लोग को ये लोग उनका गुंडागर्दी की तरफ से तलवारें चला के जो जख्मी करे ये लोग, इसका सख्त जवाबदारी उनको ही जाता है, क्योंकि उनका खुद का गांव में उनका बड़ा भाई उधर ही रहते, उनको रहते हुए भी इन्हों तलवार रखने के परमिशन देते, उनका ही कार्यकर्ता लोग ये लोग, उनका जो रोडी क्षेत्र जो मल्लुबुल के उनका खुद का भाई उमेश, उनका ही पार्टी से ग्राम पंचायत मेंबर है उधर। ऐसे काम अनुमति करने के लिए ये लोग कई को बढ़ावा दे रहे, पहले शेरौली में भी ऐसे एक आदमी जो है उसका बयान देकर आत्महत्या करे, उसे आप लोग को मालूम है उसको कैसे उन्होंने दफनाया गया वो मेट्रो को हमको मालूम है, वो भी आएगा सच सच्ची रहेगा, भगवान देख रहे ऊपर। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ सभी आपके मध्यम लोग से जो भी देख रहे, ये जो संविधान के बारे में बात करते हम रक्षणा करना कानून से हम चलना बोल के जो बात करते ना बड़े बड़े हमारे डॉक्टर साहब, ये कानून आप जानते बोले तो ऐसे काम आपका खुद के गाँव में नहीं होना था। इतना अभी मंत्री रखकर वो भी उन लोग कंप्लेंट दिए, उनका ऑटो का पूरा टप फाड़ दिए, उनका सीट फाड़ दिए, तो अब गरीब लोग करके कैसे खाना, क्यों ये इलेक्शन में उन लोग हमारा जेडीएस पार्टी को सपोर्ट करे या दूसरा पार्टी को सपोर्ट करे तो उनका दुश्मन, पूरा द्वेष राजकारणी करने का इनका वृत्ति हो गया। ये अब्र से नहीं है, उधर सेडम तलक में सर्वे करके देखो, इनके काम यही है डरा के ऐसे रख के जो है ना जीतते आ रहे हैं, काम करने नहीं, जीतने के बाद लोग बेंगलोर में रहते, उधर रहते भी नहीं कोई भी, ये उनका हो गया है। फिर भी ऊपर वाला उनको आशीर्वाद दिया है, तो एक बार एमएलए होने के बाद जो वोट वाला है जो नई दल है सबके लिए एमएलए रहना होना, वैसा एक नेचर होने से छोड़कर ये तुम कोई भी काम करे, तुम जेडीएस करे हम तुमको सपोर्ट नहीं करते, फिर तुम बीजेपी करे मैं तुम्हारा काम नहीं करता, ओपन बोलते हम ऐसे काम कर रहे तो कैसा लीडर है क्या है बोल के उनको खुद को आत्मावलोकन उन्होंने करना, ये काम उन्होंने करते आ रहे। इसलिए मैं तभी आपके माध्यम जो भी देख रहे मैं बोलना चाह रहा हूँ, आज जो माइनॉरिटी लोग आपको इतना सपोर्ट करे, उनको आप लोग तलवार से उनको आप हमला कराते बोले तो ऊपर वाला देख रहा है, आगे आने वाले दिन आपको 100% इसका जवाब मिलेगा बोलकर मैं आपका माध्यम के मूलक में बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि कौन भी अगर आपका तालुका में इतना हिंसाचार करा बोले उनको प्रोटेक्शन दे बोलते हैं आप लोग, कैसे देते केस करे तो अगर कहीं को प्रोटेक्शन नहीं गया, अगर उन लोग बुला के उनको समझौता करता तो पुलिस डिपार्टमेंट उन्होंने ऑलरेडी बिफोर इच 6 दिन पहले इंटीमेशन और एफ आई आर भी लिखे हुए पुलिस थाने में, इन्होंने फोन करके बोलते किसको भी अरेस्ट नहीं करना किसको भी बुला नको, इतना उनका बड़ा भाई है बसवराज पटेल बोलकर उड़गी में, उन्होंने ये काम कर रहे बोल के ये चीज आज हुआ है। आज बेचारा एक आदमी जो यूनाइटेड में है कोमा में, कल के दिन उनको कुछ भी हो तो इसका जवाबदार 100% उधर का मंत्री होगा और उनका भाई चौंगा बोलकर मैं ओपनली आपके सामने बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे तस्वीर ये गुंडा लोग, उनके ही गांव वाले पूरे लोग, उड़गी गांव वाले पूरा तलवार लेकर फोटो, ये इतना ही नहीं उनका स्टेटस रखते हैं लोग, स्टेटस रखते हैं और उनका फोन से भी बर्थडे रहते तलवार से केक कटना, और कहीं किधर भी ऐसे अगर ये लोग करते रहे तो आगे आने वाले दिन में कैसा प्रजा प्रभुत्व व्यवस्था रहता, कानून सिस्टम कैसा रहेगा। मैं कानून का और एसपी साहब को मैं और एक बार आपका माध्यम जरिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप कृपा करके कौन सा भी पार्टी को मत देखो, हमारा पार्टी वाले गुंडागर्दी वाले जूता मार के उनके अंदर डालो, कौन सा पार्टी वाले बेरे ये गुंडागर्दी खत्म होना साहब। आपके ऊपर हमको बहुत उम्मीद है, आप रात भर वो इंसिडेंट होने के बाद जो आप
को अफोर्ड करे। हम एसपी साहब को शुक्रगुजार मैं करना चाह रहा हूँ आपका चैनल से, उन्होंने बहुत रियली एक्शन सुपर लेकर आप अरेस्ट भी करे, कम से कम एक 10-12 लोग को भी उन्होंने अरेस्ट करे। मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, ऐसे जो भी हमला करने वाला कोई भी गुंडा रहता है उनको गड़ी पार करा दो, इधर हमारे कलबुरी जिले में उन्होंने रहने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो ऐसे सिस्टम से इन्होंने चलते रहेंगे फिर हमारा कानून परिस्थिति कहाँ से कहाँ जाएगा बोलकर ये सोच के एक बात हो जाएगा। मैं इमरान खान, आज प्रेस मीट करने का वजह यह है कि आप देखते हैं कि परसों शबे बारात थे, एक मुकद्दस दिन था, उस दिन एक हमारे 7-8 ऑटो चालकों को यहाँ पे टॉप फोड़ के, ग्लासा फोड़ के, सीटा निकाल के, पूरा लेके, पूरा उनको तलवारों से एकदम ऐसा जैसा फिल्मों में बताता है रउडिज्म, वो रउडिज्म डॉक्टर शनप्रकाश पाटिल जो मिनिस्टर है उनके खुद के गांव में, ऐसा नहीं कि तालुका में हो रहा बोले तो नहीं, उनके खुद के गांव में उनके भाई बसु पाटिल जो ग्राम पंचायत मेंबर है और जो मल्लू रउडी शीटर है उनका भाई खुद भी एक ग्राम पंचायत मेंबर है वहाँ का, वो ये सब मिलके इतने गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये मुसलमानों की ईद देख के, वो टाइम देख के उन्होंने ये सब करा रहे हैं और एफ आई आर रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई अरेस्ट करने के तैयार नहीं थे। वो है हमारे बारा साहब, हम लोग सब मिलके एसपी को कितना तारीफ करें उतना कम है, रात के 3 बजे जाके जो पूरे मुसलमान जागने की रात इबादत करने के बगैर जाके पुलिस स्टेशन के सामने हज़ारों से धरना करना पड़ा। आपको शनप्रकाश पाटिल साहब, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप मुसलमानों की वजह से इतना जीते हुए हैं, आप मुसलमान प्रोटेक्शन में रहते बोल के आपके कांग्रेस को वोट डाल के 45,000 से आपको जिताए, आप ऐसा मत करिए, सबके दिलों में रहते आप जीते 45,000 वोट से जीते ना, उतने 45,000 वोट से हारते फिर, अगर आप ऐसा करते आपको प्रोटेक्शन देने के वास्ते मुसलमान वोट से डाले आपको वोट, आप समझिए, आप कानून के चौकट में बात करते बोलते ये है कि आपके कानून में आपके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में आप कानून नहीं मेंटेन कर सकते तो बाकी क्या कर सकते आप। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा, स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन, डिप्लोमा इन अरबिक, 2023 एडमिशन स्टार्टेड, कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।